हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मैरिको कंपनी ने अपने इंटरिम डिविडेंड के लिए जो भी रिकॉर्डेड फिक्स की है उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो 28 अक्टूबर को है। देखते हैं कंपनी इसमें कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है या नहीं करती, ठीक है। और अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया इंटरिम डिविडेंड तो उसके लिए अब देखते हैं रिकॉर्डेड क्या फिक्स की है। देखिए, अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसके लिए कंपनी ने जो रिकॉर्डेड फिक्स की है वो की है 9 नवंबर। रिकॉर्डेड है 9 नवंबर, तो इसके हिसाब से एक्स डिविडेंड डेट बनेगी 8 नवंबर और जो लास्ट बाइंग डेट है वो बनेगी 3 नवंबर, क्योंकि 4, 5, 6, 7 8 नवंबर को हॉलीडेज है, ठीक है, तो इसलिए लास्ट बाइंग डेट बनेगी 3 नवंबर। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको यह शेयर 3 नवंबर जब उससे पहले खरीदना होगा, तभी यह शेयर 9 नवंबर तक आपके डीमैट अकाउंट में आ पाएगा और आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगी। डिविडेंड लेने के लिए आपको यह शेयर 8 नवंबर जब उसके बाद बेचना होगा। अगर आप 8 नवंबर को भी शेयर को बेचते हैं तब भी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब कंपनी ने अभी डिविडेंड पे करने की कोई डेट फिक्स नहीं की है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको बता देंगे। फ्रेंड्स, हमारी और ज्यादा वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।